अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम फिर से नया एक रिव्यू करने वाले हैं, मोबाइल की अनबॉक्सिंग करने वाली है। और कैसा है मोबाइल, और ये देखो, ये है विवो का V25 Pro। विवो भी रंग बदल रहा है, जैसे इंसान रंग बदलते हैं वैसे विवो भी अपने डब्बू शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना, रंग बदल रहा है। पहले काला, फिर ब्लू, अब ग्रे, तो थोड़ा विवो भी अलग हो रहा है। Keep it up, Vivo, ठीक है। तो शुरू करते हैं Vivo V25 Pro से। 8128 वाला है, वो थोड़ा अलग से। तो ये है ब्लू कलर का, आन दो जरा हाथ में, आन दो धीरे धीरे। क्या अपने अनबॉक्सिंग में नया आ रहे ना, तो आएंगे तो धमाल से ही आएंगे ऐसा है। तो ओ हो, ये मार्केट में नया बुलबुल आया, आप देख सकते हो। इसको V25 Pro क्यों कहा गया, इसको बुलबुल कह देते तो कैसा अच्छा लगता ना Vivo। तो ये ठीक है, बुलबुल नाम अपने आगे जाके घोषित करेंगे। पहले आप ये देख लो, क्या ही कंडीशन, मतलब कंडीशन तो क्या है, अनबॉक्सिंग मोबाइल हम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर लिखा है प्रोफेशनल फोटोग्राफी। आप जैसे देख सकते हो प्रोफेशनल फोटोग्राफी, Vivo का लोगो है और कैमरे का अलाइनमेंट आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा है। तो ये इसका मैंने लुक बता दिया। और आप कर्व डिस्प्ले है, ये 3D कर्व डिस्प्ले में आ रहा है। तो ये सब चीजें देखने के बाद अब अपने जाते हैं इसके अंदर, बॉक्स के अंदर क्या है। बॉक्स के अंदर क्या है कि वही कागज और पत्रिका है जो कोई पढ़ नहीं सकता है और पढ़ने की कोशिश भी कोई नहीं करता है। तो आप देख सकते हो इसका कवर एकदम फ्लेक्सिबल आया है, और कागज पत्रिका जो किसी ने नहीं पढ़ी है वो आज भी कोई नहीं पढ़ेगा हमेशा की तरह। और ये Vivo ने दिया है कुछ, ये पत्थर जैसे है, मतलब ऐसा है कि ये सावधान रहे वो पति जो अपने बीवियों के साथ कुछ होता है, तो वो सावधान रहे। क्योंकि ये चार्जर, अगर आपने Vivo का V25 Pro ले लिया है और चार्जर रूम में ऐसे ही खुले छोड़े है तो कभी भी तुम्हारे सर पे आ सकते ये मैं वो पहले बता रही हूँ, फिर बोलना मत क्या नहीं, बताया नहीं, बोले इतना भारी है चार्जर। तो Vivo ने 66 वॉट का चार्जर दिया है, और केबल आप देख सकते हो अच्छा सा केबल है, और सेम इंजेक्शन पिन है। वो सब बाहर नहीं निकालूंगा क्योंकि वापस रखने में थोड़ी दिक्कत होती है मुझे, कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें हैं, और Vivo ने इस बार कुछ नया अपग्रेड दिया है। इन्होंने जो मैं आपको इसका पहले अबाउट में जाके मैं बता देता हूँ क्या है इसके अंदर इन्होंने। तो ये देखो, मैं आपको अबाउट में बता देता हूँ, इसके Vivo V25 Pro लिखा हुआ है। फिर प्रोसेसर में 3 GHz डायमेंसिटी 1300 octa-core जो है मीडिया टेक का प्रोसेसर। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, फ्लैगशिप लेवल का हो सकता है, ये है ही। और इन लोग ने जो देखा जा रहा था मार्केट में कि 8+4 आ रहा था, बट मैंने आज ये देख रहा हूँ कि 8+8 आ रहा है। तो ये सब GB रैम आप एक्सटेंड कर सकते हो, और रैम आपको पता है कि ये मेमोरी में से ही एक्सटेंड हो जाता है, और एंड्रॉइड वर्जन 12 है। फोन स्टोरेज 128 GB बता रहा है। तो Vivo ने इसके अंदर कुछ अलग करने की कोशिश की है। और इसका जो ये फ्रंट कैमरा आप देख सकते हो कि पंच होल डिस्प्ले कैमरा दे दिया इन लोग ने, और 32 MP का इसका फ्रंट कैमरा है। और तो पीछे का कैमरा जो मेन कैमरा है वो 64 MP का है, और जो इसका अल्ट्रा वाइड एंगल वाला है वो 8 MP है। और इसका जो मैक्रो कैमरा है जिससे आप अपने कपड़े की फाइबर्स देख सकते हो और जो छोटी छोटी चीजें है वो आप देख सकते हो, वो 2 MP का है। तो ये इन्होंने कैमरा में किया है। और मुझे जैसा लग रहा है कि Vivo का जो हिस्ट्री है वो उन्होंने हिस्ट्री को कायम रखा है, और ये कर रहे हैं क्रिएट हिस्ट्री बना रहे हैं, और फोटोग्राफी को और ही नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं ये लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट, अगर ये मॉडल इन्होंने अभी जो कैमरा आपको फोटोज दिख रही होगी, अभी फोटोज हम डाल रहे हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हो कैसे फोटोज है और वीडियोज है, वो आप सैंपल देख लो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो DSLR है वो शायद से मार्केट से इरेडिकेट हो जाएगी, क्योंकि ये लोग ऐसी चीजें Vivo Oppo वाले कर रहे हैं, खास तौर के Vivo। और इन लोग ने जो प्राइस सेगमेंट ये जो लॉन्च किया है
36,000 में, सिर्फ और सिर्फ 36,000 रुपए में ये कर्व डिस्प्ले दे रहे हैं। तो कर्व डिस्प्ले दोस्तों, मेरे हिसाब से कर्व डिस्प्ले ये प्राइस सेगमेंट में नहीं आती है जल्दी, कम से कम 45,000 42,000 का। बट वीवो ने एक अच्छा, एक समझ लो इनिशिएटिव रखा है मार्केट में कि 36,000 के अंदर ये कर्व डिस्प्ले दे रहे हैं, वो भी 3D कर्व, 3D जो फील आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये अच्छा प्लस पॉइंट है कि ये कर्व डिस्प्ले के जो मोबाइल्स है इनके रेट कम कर रहे हैं वीवो, तो इसके लिए वीवो को थम्स अप हम देंगे, अच्छा काम कर रहे हैं। और ये फोटोग्राफी में तो इनका लेवल अप ही है। तो जैसा कि मैंने बताया था, और इसकी डिस्प्ले की साइज में बता दूं, 6.56 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसका है, और इसके अंदर जो इसकी 120Hz रिफ्रेश रेट तो आती है आजकल और फ्लैगशिप मोबाइल में आ ही रही है, और 13 तो नीट है, मतलब इसका जो और इन लोग ने बहुत कुछ किया है। और सबसे पहली बार ओ हो, ये मतलब कुछ अलग, इसको टच करते हैं ना तो ऐसा लगता है मखमल को टच कर रहे, तो बहुत ही ये सब फीलिंग आदमियों को, देखो प्रीमियम मोबाइल आप प्राइस पे कर रहे हो तो हाथ में पकड़े तो ऐसा प्रीमियम फील होना चाहिए कि भाई हाँ कुछ पकड़ा है ऐसा, तो आप इसको पकड़ के कुछ ऐसा लगेगा कि हाथ में कुछ आपने लिया है। और अफकोर्स 5G मोबाइल ही है, क्योंकि 5G आ रहा है अभी इंडिया में, तो जैसा पता चलेगा कब आएगा 5G, उसके लिए भी हम लॉन्च डेट कुछ बता देंगे या कुछ कर देंगे उसके लिए भी। और बाकी इसके अंदर जो है इसकी बैटरी है 4830 mAh की बैटरी है, 66W का चार्जर है, इन लोग ने डायरेक्ट डबल कर दिया, जैसा V23 में था उसका डबल इन लोग ने सब कुछ कर दिया, बैटरी 4830 का mAh कर दिया है, और इनका जो चार्जिंग वोल्टेज था वो इन लोग ने डायरेक्ट बढ़ा दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वो अलर्ट दे दिया है कि इसका जो चार्जर है वो बहुत ही हैवी है दोस्तों, मतलब आदमी को इसको फेंकने से किसी को लग सकती है। तो जो मैं बताना एक बात भूल गया वो अलग है, ये है एक यूवी लेजर लाइट। तो हम करेंगे कुछ अलग, क्योंकि V25 Pro कलर चेंजिंग बैक पैनल इसका आता है, तो अब हम इधर कुछ कांड करने वाले जो अलग होगा। तो यहाँ पर हम चालू कर रहे हैं, ये लिखा हमने S, A लिखा, फिर I लिखा, फिर ये ऐप लिखो, फिर ये आई वापस से लिख दिया। तो आप देख सकते हो हमने लिखा है सैफी। तो ये है एकदम अलग इसका जो कैक है, ये देखो ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर, पर इसके लिए आपको यूवी रेज चाहिए, यूवी की लाइट चाहिए, तो ये थोड़ा अलग घोषित कर सकते हैं आप। तो ये जो चीज थी वो मैं बताना चाहता था, इसीलिए आपको मैं बता दिया। बाकी ये बहुत ही एंटीक है, अगर इसको थोड़ा अंधेरे में रखोगे तो ये चला जाएगा ऐसा, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी और मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट बता दी है, ये हमारा इनिशियल से स्टेज है अनबॉक्सिंग में। अब इससे भी अच्छा अच्छा हम वीडियोस बनाएंगे, एडिटिंग वगैरह इसके अंदर अच्छी डालेंगे, और हमारा जो लेवल है, जैसा कि आपको पता है कि हम शॉपकीपर्स है, पर हम ट्राई कर रहे हैं, देखो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ऐसा कहा गया है, तो वो सही कहा गया है, और वो हम उस पे अमल बोलते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं धीरे धीरे, और हम कुछ अलग करना चाहते हैं ऐसा है कि वी वॉन्ट टू बी अ गेम चेंजर ऑफ दिस फील्ड, ऐसा समझ लो हम गेम चेंजर बनना चाहते हैं। और इस ये हम आज लिख लो 9 सितंबर 2022, हम देख लेना एक दो साल में ये फील्ड का गेम चेंज कर देंगे। इट्स टाइम टू प्ले द गेम इन आवर मैनर, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनबॉक्सिंग खत्म करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस पे अपने टारगेट रखते हैं 100 likes का, क्योंकि देखो हमें हौसला अफजाई आपकी तरफ से चाहिए कि हम कैसा वीडियो बना रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट्स में बताइए हमारा अंदाज, और नेक्स्ट कौन सा अनबॉक्सिंग करें, कौन सी चीजों को हम अनबॉक्स करें वो भी आप बताइए, और कंपैरिजन वाले भी वीडियो बनाएंगे हम, कोशिश करेंगे जो है करना चाहते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज इसको जरूर शेयर करिए लोगों में, और लाइक का टारगेट 100 है वो आपको करना ही है, 100 like करिए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आपका धन्यवाद, आपका सपोर्ट है, आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।